डियर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th 2021 के पहले वाले बोर्ड स्टूडेंट, सीआईएससी चीफ गैरी अराथून ने देश भर के 2422 स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ वर्चुअल मीटिंग में 3 से ज्यादा बातें क्लियर की है, जो कि आईएससी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन, आईसीएसई क्लास 10th 2021 के मार्क्स अवार्डिंग सिस्टम और थर्ड न्यू एकेडमिक सेशन के सिलेबस रिडक्शन को लेकर है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए तो पूरा डिटेल में जान लेंगे। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो सीआईएससी चीफ गैरी अराथून ने कही है कि आईएससी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन का कंडक्शन अभी के समय में मुश्किल है और यह सिचुएशन आगे कितने समय तक मुश्किल बना रह सकता है, मतलब कि डिफिकल्ट होगा, यह कहना मुश्किल है। इस कंडीशन में अपने सभी स्कूलों से कहा है कि हर तरह के उन सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहा जाए, मतलब कि अगर इन बोर्ड एग्जामिनेशन के जून में कंडक्शन नहीं हो पाते और जिस बात की पूरी संभावना सीआईएससी चीफ गैरी अराथून ने इंडिकेट किया और बहुत सारे सीआईएससी के ऑफिशियल पहले भी बता चुके हैं और इस विषय पर मैं 30 से ज्यादा वीडियो बना के आपको रेगुलर अपडेट करता रहा हूं। रेगुलर यहां पर कहा गया है कि उस कंडीशन में जिस तरह से आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूलों ने सीआईएससी को ऑफर दिया है उसके मुताबिक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आईएससी 2021 के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को भी अवार्ड किया जा सकता है। प्रूफ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरी बात, आईसीएसई क्लास 10th 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के अवार्डिंग सिस्टम को लेकर आपको बहुत सारे यूट्यूबर कहते रहे कि प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के आधार पर मार्क्स का अवार्डिंग आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट का होगा। बहुत सारे यूट्यूबरों ने वगैरह 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 अपडेट आपको दिया, लेकिन सीआईएससी चीफ गैरी अराथून ने इन तमाम बातों को रिजेक्ट कर दिया है। जैसा कि वर्चुअल मीटिंग में सीआईएससी चीफ ने साफ साफ कहा है कि Evaluating the students' marks for ICSE class 10th modalities on uniformity and continuous evaluation process being taken out and school would be informed soon. So, the average marks would not be the basic criteria. ICSE class 10th 2021 के board examinee के marks को award करने के लिए CISCE ने अपने सभी affiliated schools से उन student के class 9th और class 10th में प्राप्त किए गए मार्क्स के एवरेज फॉर्म को मांगा है और इसके आधार पर सीआईएससी अपने ढंग से कई मोडलिटीज और मॉडरेशन को इनैक्ट करने वाली है। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट विल बी इवेलुएटेड थ्रू आउट द ईयर एंड द मार्क्स टू बी यूज्ड टू कंप्यूट आईसीएसई एंड आईएससी मार्क्सशीट। मतलब चाहे आईसीएसई क्लास 10th के मार्कशीट का प्रिपरेशन हो रहा है उसमें या आईएससी 2021 के बोर्ड एग्जामिनी के रिजल्ट भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर निकलेंगे उस समय भी स्टूडेंट के थ्रू आउट ईयर के परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाएगा, जिस विषय पर मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो बनाया है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को नहीं कंसीडर किया जाएगा, एक थम्स अप। और इसके साथ यह माना जा रहा है कि 2020 में जितने भी टेस्ट हुए, पीरियोडिक टेस्ट हुए या इंटरनल टेस्ट हुए या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए, इंक्लूड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इनको नट सेल में निकाला जाएगा कि स्टूडेंट ने साल भर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इस आधार पर आईसीएसई क्लास 10th 2021 और आईएससी 2021 के बोर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को इवेल्युएट करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। यहां ध्यान रखने की बात है कि कोई रैंकिंग नहीं निकाली जाएगी, लेकिन बेस्ट 5 आईसीएसई क्लास 10th एंड बेस्ट 4 आईएससी 2021 के स्टूडेंट के लिए इनेक्टेड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड बात बोली गई है, जैसा कि देश भर के सभी आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूलों के प्रिंसिपलों ने कहा, आईसीएसई क्लास 11th के सेशन की शुरुआत डिले है और इसी तरह से आईसीएसई क्लास 9th और क्लास 10th के भी सेशन की ठीक ढंग से शुरुआत नहीं हो पाई है फॉर्मली, और कई स्टेट ने लॉकडाउन तो कई स्टेट ने स्कूलों को बंद कर रखा है, और जब इन स्कूलों को ऑनलाइन मोड में भी फॉर्मली शुरू किया जाएगा तो क्या किया जा सकता है, जबकि एड इन डिले के कारण स्कूल स्टूडेंट और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस विषय पर जिस तरह से सीआईएससी चीफ ने बताया, आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th के अलावा आईएससी क्लास 11th एंड 12th 2021-22 यानी न्यू एकेडमिक सेशन के स्टूडेंट के लिए सिलेबस को रीअसेस रीइवैल्यूएट करने के बाद आने वाले समय में अपडेट किया जाएगा कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट यानी कि सिलेबस में कर्टेल की जरूरत है। यदि सिलेबस में कर्टेल की जरूरत है तो स्टूडेंट को जस्टिफाइड तरीके से
enough syllabus ही पढ़ने होंगे 2021-22 में, यानी 2021-22 के स्टूडेंट के लिए भी सिलेबस के कटेल की बात को CISCE एक्सेप्ट करता है, और विद प्रूफ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो एक थम्स अप बनता है, यू सब्सक्राइब द चैनल।